मध्य प्रदेश में भी लागू होगा क्या महाराष्ट्र का फॉर्मूला, सबसे बड़ा सवाल हम ये लेकर आए हैं। दरअसल एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में, कल इस मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव को लेकर आदेश दिया है कि बगैर आरक्षण 2 सप्ताह में चुनाव की तारीख घोषित की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश ये दिया है। तो सबसे अहम सवाल, क्या एमपी पंचायत चुनाव को लेकर भी महाराष्ट्र का फॉर्मूला लागू हो सकेगा? और मैं सहयोगी प्रभाकर मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। अब प्रभाकर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कर दी कि भाई चुनाव कराना है और चुनाव कराइए। और चूंकि वहां पर दिक्कत ये थी कि पहले ही अधिसूचना जारी हो गई थी, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था। तो ये जो महाराष्ट्र में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश के मामले में भी समझ में आ रहा है। कल सुनवाई होनी है जी। तो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ होगी कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में थोड़ा सा अंतर है दोनों के मामलों में। मध्य प्रदेश सरकार, जो मेरी समझ है, जो मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि यहाँ पर चूंकि जो शर्तें हैं आरक्षण देने के लिए, और ट्रिपल टेस्ट का वो है कि उसके लिए आप एडिक्वेट डेटा उपलब्ध कराइए कि और पिछड़ापन के का आधार बताइए, वो सारी चीजें उसके लिए वहां पर कमीशन बना दिया गया है। तो ये और डेटा इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया है मध्य प्रदेश में। तो ये बातें कोर्ट के सामने कही जाएंगी और कोर्ट से ये कहा जाएगा कि थोड़ा सा और समय दिया जाए। तो ये अब कल की सुनवाई पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के इस आर्गुमेंट को किस तरह से लेता है। तो सबकी निगाहें कल सुप्रीम कोर्ट के में होने वाली सुनवाई की तरफ होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या मध्य प्रदेश की तरह, महाराष्ट्र की तरह सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी आदेश देता है या थोड़ा और समय मिलता है मध्य प्रदेश सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, लेकिन आज महाराष्ट्र का जो फॉर्मूला तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपनी टिप्पणी में, क्या इसका असर भी कल देखने को मिलेगा? कुमार इंदर हमारे साथ से जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, अब जो ओबीसी आरक्षण का पूरा मसला है, इसको लेकर सियासी भूचाल भी वहां पर आता रहा और बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को इसमें जिम्मेदार ठहराती रही कि कोर्ट की चौखट में मामला इनकी वजह से पहुंचा। बहरहाल इंतजार कल का करना होगा, लेकिन अभी तक की स्थिति वहां पर क्या है, किस तरीके से मामला कोर्ट में गया, फिर उस पर टिप्पणी आई, फिर से गया? देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो मामला है थोड़ा सा डिफर है। हालांकि सारी लोकल बॉडी इलेक्शन की जितनी भी याचिकाएं हैं वो एक साथ क्लब की गई है। पिछली बार भी हमने देखा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश की पारी आई और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में यदि ओबीसी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण यदि देना है तो उन्हें ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा, उसके बिहाव पर ही मध्य प्रदेश में चुनाव कराए जा सकते हैं। अदरवाइज कोई भी मध्य प्रदेश सरकार के पास रास्ता नहीं है। सरकार ने भी इसे माना और पिछले दिनों जब गौरीशंकर बिशन मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जबलपुर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने अपने सर्वे का काम पूरा कर लिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने गबली केस में जो कहा थी ट्रिपल टेस्ट की बात कही थी उसकी प्रक्रिया सारी पूरी कर ली गई है। संभवतः ये जताया जा रहा है कि पिछड़ा आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को अपनी सारी रिपोर्टों से अवगत करा दिया गया होगा और सरकार भी इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार भी कई बार ये बयान दे चुकी है कि हम ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव या किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं करा सकते। स्वाभाविक भी है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां की मजबूरी भी है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, मध्य प्रदेश में कम से कम 52% आबादी जो है मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आती है। लिहाजा कोई भी सरकार ओबीसी वर्ग को छोड़ के किसी भी चुनाव में नहीं कूदना चाहती क्योंकि सरकार को खामियाजा पता है कि ओबीसी वर्ग को उन्होंने पीछे छोड़ा तो राजनीतिक पार्टी की क्या दुर्दशा होगी। ऐसे में सरकार ने यह कहा था और राज्य निर्वाचन आयोग से भी अपेक्षा की थी कि वो इस मामले में उनका सहयोग दे और राज्य निर्वाचन आयोग को भी होगा और विपक्ष को भी होगा। कुमार इंदर, आप बने रहेंगे हमारे साथ, तो कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आ सकता है और आगे तारीख भी पड़ सकती है। बहरहाल इंतजार कल तक का करना होगा।